अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का मनपसंद जिंगर बर्गर। इसके लिए मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, इस तरह से देखें, ये बाज़ार से तैयार करवाएं, इस तरह से बड़े बड़े पीस लिए हमने। इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1.5 चम्मच और 1/2 चम्मच नमक है, ये डालेंगे। 1 कप मैदा लिया है मैंने, इसमें कुटी ये पिसी हुई मिर्चें और नमक, ये 1 चम्मच मिर्च है और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये हम मैदा में डालेंगे और इसको मिक्स करके रख लेंगे। और ये मिर्चें हम जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं 1.5 चम्मच और ये 1/2 चम्मच नमक, ये हम ब्रेस्ट पीस के चिकन के हैं इसमें डाल रही हूँ मैं। और ये विनीगर तकरीबन 1/2 प्याली के करीब मैं इसमें डालूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इसको यूँ खूब अच्छी तरह से मुट्ठी से यूँ दबा दबा के उंगलियों की मदद से आप हम इसको इस तरह से कर लेंगे और हम इसे 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये मैरिनेट हो जाएगी अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने मैदे की तरफ। मैदे में ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक 1/2 चम्मच से कम है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये हम कोटिंग के लिए लेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। ये बंद गोभी, 1/2 बंद गोभी मैंने ली है, बारीक काट ली है। 2 चम्मच चीनी है, 2 से 3 पिंच नमक लिया है, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये सब एक ही साथ है मेरे पास प्याली में, और ये मैं इन बंद गोभी पर डाल रही हूँ। और ये 3 चम्मच दूध लिया था मैंने, ये 1 चम्मच मैं बचा रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसको डाल दूँगी। मायोनीज डाल रहे हैं हम 4 से 5 चम्मच के करीब। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सलाद तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हमसे कोई फरमाइश कर सकते हैं। हमारी वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपने वीडियो बनाई, आपको कैसी अच्छी लगी, आपने खाई, आपको किस तरह का जायका आया, कि आपको किस तरह से डिफरेंट लगी औरों से हमारी रेसिपी। ये हमारा तैयार हो गया है। ये हमने टमाटो केचप और मायोनीज दोनों मिक्स की है, 4-4 चम्मच ली थी दोनों चीज़ें, और ये अच्छे से मिक्स कर ली हमने। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम 1/2 घंटे के लिए इसको छोड़ रहे हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 1/2 घंटा हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखें 1/2 घंटा हो गया है। अब इस तरह से हम एक एक पीस लेंगे और इस तरह से दबा दबा के मैदा इस पे हम लगा लेंगे। ये मुट्ठी से दबाने से इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और यही हमारे क्रंच बनेगा। ये देखें, यही क्रिस्पी सी बनेगी। देखें ये क्रिस्पी लेयर इस तरह से बनेंगी। ये आप देखें, मैं इसको यूँ दबा दबा के जो कर रही हूँ इसी से ये क्रिस्पी हो जाएंगी। बस ये 10 से 15 सेकंड के लिए हमने पानी में डाला, इसे पानी अच्छी तरह से झड़क लें, क्योंकि जो सूखा मैदा है फिर अगर इसमें पानी चला गया तो ये ख़राब हो जाएगा।
और ये देखें, अब फिर इसको दोबारा से हम इसी तरह से दबा दबा के मैदे में, ताकि मैदा इस पर बहुत अच्छे से चिपक जाए। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल देखें किस तरह से, आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा इसमें किस तरह क्रैक आए हैं। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़क और क्रिस्पी होगा, जो कि जिंगर बर्गर में होता है। ये देखें, ऑयल हमने पहले से गरम किया हुआ है और ये हमने ऑयल में इसे डाल दिया है। ये हम वो फुल हमने फ्लेम नहीं रखा है, दरमियाना रखा है, ज़्यादा मीडियम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल के लो फ्लेम हम कर दें कि ये कड़क ना हो हमारा, बिल्कुल दरमियाने में रखेंगे हम। और इसको आपको पलट के भी दिखाएंगे अभी, ये देखें। अब ये दूसरी तरफ से भी हम सेकेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये सिक चुका है और आपको वाज़े तौर पे दिख रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी हुआ है, किस तरह से इस पर क्रैक आए हैं। ये आसान बहुत है, थोड़ी सी मेहनत होती है चीज़ों में और चीज़ें बनाना बहुत आसान होती हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन फ्राई हो गया है। इस तरह से बन आसानी बाज़ार में दस्तियाब हैं। तो पहले ये हम जो हमने टमाटो केचप और मायो का ये जो हमने पेस्ट बनाया था, ये हम लगा लेंगे दोनों अतराफ। ये देखें, दोनों साइड पे हम लगा रहे हैं, इस वाले पीस पे भी और दूसरे वाले पे भी। और ये जो बंद गोभी का हमने सलाद बनाया था, ये भी लगा लिया, इसको फैला देंगे। अब इस पे चिकन पीस रख देंगे हम, जो हमने फ्राई किया है। ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मज़े का बनता है और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। ये देखें कितनी मोटी पेटी बनी है, देखें आप। अगर इस तरह से पीस आप मैरिनेट करके घर में रख भी देते हैं, तो जब दिल चाहे इसे आप निकालें और फ्राई करें, तो बच्चे भी खुश और आप भी खुश। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चिकन पीस देखें कितना साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि कितना मोटा हमने लगाया है। बच्चों को अच्छी तरह से सर्व करके दें। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।